नमस्कार बच्चों, टेंथ क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज हमारा फर्स्ट लेसन है नेताजी का चश्मा। और नेताजी का चश्मा इसके जो लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश जी। क्या हैं? स्वयं प्रकाश जी। तो स्वयं प्रकाश जी का लेखक जीवन परिचय हमने पढ़ लिया था, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे और पाठ के अध्ययन के बाद हम इसके अभ्यास और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पाठ का अध्ययन हम आज करेंगे, पाठ अपनी किताब से आप भी अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। आज इसका पाठ का सार करेंगे, सार रूप हम करेंगे पाठ का। पाठ का सार रूप करने के बाद जो पाठ है प्रश्न है वो आसान हो जाते हैं। तो पाठ है के बारे में हम पढ़ेंगे आज, पाठ किस प्रकार का है, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का। तो नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश जी की एक प्रसिद्ध कहानी है, और इस कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि देश का सामान्य व्यक्ति भी देश प्रेम की भावना लेकर देश के निर्माण में थोड़ा बहुत योगदान दे सकता है। तो इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि देश का सामान्य व्यक्ति भी, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी कोई सर्विस में लग कर के या नेता बन करके या कोई बड़ा अधिकारी बन करके देश की सेवा करें, देश की सेवा एक सामान्य व्यक्ति भी देश प्रेम की भावना के रूप में कर सकता है। तो केवल बड़े लोग ही देश का निर्माण में सहायक नहीं होते, बल्कि छोटे जो लोग होते हैं वे भी देश में का सहयोग है वो कर सकते हैं, और इस पुण्य का काम में सहयोग देते हैं। कहानी का मुख्य पात्र हलदार साहब है, और इस कहानी का मुख्य जो पात्र है, मुख्य जो करेक्टर है वो है हलदार साहब। ये हलदार साहब होता है। अब हलदार साहब किस प्रकार से इस कहानी का मुख्य जो पात्र है वो बनाया गया है वो देखिएगा। तो हलदार वह कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरता था, वो कंपनी के काम से ये जो हलदार साहब था अपनी कंपनी में किसी कंपनी में काम करता था, और वो उस कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरता था, जिससे यह कहानी संबंधित है, जिससे यह कहानी है वो संबंधित है। जो हलदार साहब है अपनी कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरता था, और कस्बे से जहाँ जिस कस्बे से गुजरता था उसी कस्बे की ये कहानी है वो ली गई है। ये कस्बा छोटा था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ पक्के मकान, दो स्कूल थे, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, दो खुले सिनेमाघर तथा नगर पालिका का दफ्तर था। नगरपालिका नगर विकास का कार्य करती रहती थी। एक बार नए योग्य प्रशासनिक अधिकारी ने, अब नगरपालिका की बात आती है, नगरपालिका नगर विकास के कार्य करती है, स्कूल भी हैं, सिनेमाघर भी है, कारखाना भी है। तो जो नगरपालिका है वो नगर विकास, अपने नगर को सुंदर दिखाने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए या कोई अन्य कार्य इस प्रकार के कार्य है वो करती रहती है। तो नगरपालिका है वो अपने नगर के में कुछ कार्यक्रम करती है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, योग्य प्रशासनिक अधिकारी आता है, और वो क्या करता है, नगर के चौराहे पर, नगर का जो चौराहा है उस चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगाने का निर्णय करता है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, हर बच्चा जानता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो कौन थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे भारत देश को अंग्रेजों से कि गुलामी से मुक्त कराने अपना जीवन अर्पण किया था, और उनके सहयोग से, उनके संघर्ष से आज हम आज़ाद हैं। तो नेताजी की जो प्रतिमा थी, जो फोटो थी, वो लगाने का निर्णय लिया गया कि नगर के चौराहे में हम इसकी फ़ोटो है वो लगाएंगे, एक प्रतिमा लगाएंगे। तो नगरपालिका की आय को देखते हुए, अब नगरपालिका की जो आय थी, उनके पास आमदनी के जो स्रोत थे वो बहुत कम थे। स्थानीय स्कूल के ड्राइंग मास्टर को यह कार्य, वे वहाँ के जो स्थानीय स्कूल था उसका एक ड्राइंग मास्टर था, उसको यह काम सौंप दिया गया। और ड्राइंग मास्टर का काम तो दे दिया उसको, अब देखते क्या होता है आगे। उसने सुभाष चंद्र बोस की छाती से सिर तक की 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति महीने भर में बना दी। अब मूर्ति का जो साइज था वो कितना था, छाती से यहाँ तक का जो ऊपर वाला जो हिस्सा हमारा, यहाँ तक, यहाँ इससे ऊपर वाला यहाँ तक का वो फोटो है उसकी, उन्होंने 1 महीने भर में बना दी। इस मूर्ति में नेताजी सुंदर दिख रहे थे, अच्छे दिखाई दे रहे थे, जैसे तैसे करके उसने फोटो बनाई और उसमें वो अच्छी भी बन गई। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखकर लोगों को प्रेरणा मिल रही थी, लेकिन मूर्ति की आँखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। वे किसी कारण से लेकर उसके जो हमारा ड्राइंग मास्टर भी था मोतीलाल, उससे कुछ गड़बड़ हो गई भाई,
अब वो चश्मा लगाना भूल गए फोटो के, भाई किसी कारण से रहा हुआ गड़बड़ी, किस कारण से हुई, क्या रहा उसका, क्या विचार था, वही पाठ के अंदर समझाया गया है कि मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। भी जो फोटो बनाई गई, फोटो तैयार की गई, तो फोटो पर क्योंकि नेताजी चश्मा लगाते थे, टोपी पहनते थे ऊपर, और फौज की जो वर्दी होती है वो वर्दी होती थी, लेकिन फोटो पर नेताजी का चश्मा है वो नहीं था। डिजाइन नहीं बनाया गया चश्मा का, बल्कि सचमुच का चश्मा पहनाया गया था, बल्कि सचमुच असली चश्मा है वो पहनाया गया था। हलदार साहब जब पहली बार वहाँ से गुजरे तो वे इस आइडिया को देखकर रोमांचित हो गए। भाई पहली बार उन्होंने देखा कि फोटो अच्छी बनाई गई है नेताजी की, चश्मा नहीं है, कोई बात नहीं है, चश्मे की ओरिजिनल जो चश्मा है वो लगाया गया है, बहुत अच्छा सराहनीय काम है वो किया गया है, ताकि फोटो हो वो बदी ना दिखे, अच्छी दिखाई दे। तो आगे क्या होता देखिएगा, पहली बार मूर्ति को देखने के बाद हलदार साहब उसके बारे में सोचने लगे। उन्हें लगा कि आज भी देश के लोगों में देशभक्ति की भावना है। उन्हें क्या लगा कि आज भी हमारे देश के जो लोग हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना है। कैसे, क्योंकि फोटो पर मूर्ति पर क्या चश्मा नहीं है, और लोग अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं कि उन्होंने बिना चश्मे की मूर्ति न रख करके उस पर क्या लगा रखी है, ओरिजिनल जो चश्मा है वो लगा रखी है। दूसरी ओर कुछ लोग देश के बारे में बात करने पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। दूसरी ओर बहुत ऐसे लोग भी हैं देश की बात करते हैं तो मजाक करने लग जाते हैं। जब हलदार साहब दूसरी बार कश्मीर से गुजरे तो उन्होंने नेताजी का चश्मा बदला हुआ लगा। अब पहली बार देखा तो चश्मा अलग था, दूसरी बार देखा तो चश्मा अलग था। जब हलदार साहब दूसरी बार कश्मीर से गुजरे तो चश्मा क्या था, अलग था, बदला हुआ था। ऐसे वे रोमांचित हो उठे और उत्साहित हो उठे, भी कैसे लोग चश्मा बदल रहे हैं। उसके बाद हलदार साहब जब भी कश्मीर से गुजरते तो एक बार नेताजी की मूर्ति की तरफ अवश्य देखते। जब भी वो उस नगर से गुजरते थे तो नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई थी उस मूर्ति पर उसकी नज़र है वो ज़रूर जाती थी, ज़रूर उसकी तरफ देखते थे। इस बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ नजर आता। बाद में पास एक पान वाले से पूछने पर पता चला, अब वो कस्बे से गुजरते थे एक पान वाले की दुकान पर रुकते थे, वहाँ से पान लेते थे, पान खाने के शौकीन थे। जो पान वाला था उसका व्यक्तित्व का चित्रण भी हमारे अभ्यास के अंदर आएगा। भी पान वाले का व्यक्तित्व का चित्रण करें, पान वाला मोटा था, काला कसूत करोटा था, तोंद वाला था, पेट लंबा था, उसके मुंह है वो पान खाने से मुंह लाल हो गया था, अंदर से थूकता भी लाल था, मजाकी स्वभाव का था, इस प्रकार का व्यक्तित्व उनका है पान वाले का। तो क्या उसका पूछने पर पता चला कि कैप्टन नाम का कोई व्यक्ति है वो चश्मे बेचता है। भी कैप्टन नाम का कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, चश्मे बेचता है और वह मूर्ति पर चश्मा लगाता है। उसने पूछा भी रोज चश्मा बदला रहता है, कुछ पान वाले से पूछा हलदार साहब ने इसका क्या कारण है, तो पान वाले ने बताया कि जो चश्मे बेचने वाला है कैप्टन है, और वो कैप्टन क्या करता है यहाँ दुकान लगाता है और वो इस मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। किसी को अगर वो चश्मा पसंद आ जाता है तो वो उतार करके उसको दे देता है और नया चश्मा इस पर लगा देता है। यदि ग्राहक को वैसा चश्मा पसंद आता है जैसा मूर्ति पर लगा है तो उसको उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर चश्मा दूसरा लगा देता है। हलदार साहब को यह भी पता चला कि ड्राइंग मास्टर संगमरमर की चश्मा बनाना भूल गया। अब उसको ये पता चल गया कि जो ड्राइंग मास्टर हमारा मोतीलाल था उन्हें चश्मा बनाना है वो भूल गया था, इसलिए कैप्टन को मूर्ति पर चश्मा लगाना पड़ता है। इसलिए जो संगमरमर का चश्मे की जगह ओरिजिनल चश्मा है वो लगाना पड़ता है। हलदार साहब के मन में जिज्ञासा थी, एक बार तो वह जीप की ओर चले गए, फिर पीछे मुड़कर पान वाले से पूछा कि क्या वह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, भी क्या वो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। बीच में उत्सुकता हुई पूछने की, या फोटो पर तो चश्मा लगाता है या तो कैप्टन है, कैप्टन नाम है उसका, कैप्टन कहते हैं तो या तो फिर वो
सुभाष चंद्र बोस जी का कोई साथी रहा होगा या फिर उस आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही, भूतपूर्व सिपाही वो रहा होगा। पानवाली ने मुस्कुराकर कहा, अपने तोंद हिलाते हुए मुस्कुरा करके कहा, नहीं साहब वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। एक व्यंग्य कसा उस पर कैप्टन पर, नहीं साहब वह लंगड़ा है वह क्या, क्योंकि वो पान वाला था, जो चश्मा बेचने वाला था वो एक गरीब व्यक्ति था, पैर से लंगड़ा था वो, और चश्मा बेचकर अपनी आजीविका है चलाता था। अब सामने से चश्मे वाला आता दिखाई दिया, अब सामने से उन देखा तो चश्मे वाला अपना चश्मा बेचने के लिए आता दिखाई दिया। हल्दार साहब को देशभक्तों के साथ ऐसा मजाक बुरा लगा। अभी हल्दार साहब को तो देशभक्त है, अपने नेताजी की मूर्ति पर किस प्रकार से अपना चश्मा लगाते हैं उस पर मजाक को अच्छा नहीं लगा। उसने देखा कि कमज़ोर लंगड़ा व्यक्ति है, गांधी टोपी वाला काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में एक लोहे की पेटी और पांच के चश्मे लटकाए हुए आ रहा था। अब गांधी जी की टोपी पहना था, काला चश्मा लगाए हुए था और हाथ में लोहे की एक पेटी और बांस के डंडे पर चश्मे है वो लटकाए हुए आ रहा था। दरअसल फेरी लगाकर चश्मे वाला घूम घूम कर चश्मे बेचता था। हल्दार साहब उस कैप्टन के बारे में और कुछ जानना चाहते थे किस प्रकार का मिजाज का व्यक्ति, कैसा है यो। लेकिन फिर वे जीप में बैठकर चले गए लेकिन वो फिर वह जीप में बैठ करके चले गए। लगभग 2 साल तक वे उस कस्बे से गुजरते रहे और चश्मे वाले का बदलता हुआ चश्मा है वो देखते रहे। एक दिन हल्दार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कैसा भी चश्मा नहीं था। किसी भी प्रकार का कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और पान वाली जो दुकान थी वो भी बंद थी। जब वे अगली बार आए तब मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान को बंद देख करके उनके मन में कुछ शंका हो गई भी। अब ने तो पान वाले की दुकान खुली है उससे पूछते, या वो फोटो पर भी नेताजी की जो प्रतिमा है उस पर भी क्या है, चश्मा नहीं है। अब दूसरी बार जब आए तो उन्होंने उसके पानवारे के बारे में पूछा, पानवारे के पास गए तो उन्होंने पूछा उससे, खुद जानना चाहते थे, आपके फोटो में चश्मा नहीं है क्या हुआ, तो आप देखिए क्या होता है। तो पानवाले ने इसका कारण पूछा, पानवाले ने आंखें नम करते हुए कहा कि कैप्टन मर गया है। क्या हुआ है, कैप्टन है वो मर गया है। वे लौटते समय सोचने लगे कि जो लोग देश के लिए अपने गृहस्थ जीवन, जवानी, जिंदगी सब कुछ बलिदान कर देते हैं लोग उन पर हंसते हैं। कुछ दिन बाद हल्दार साहब फिर उधर से गुजरे। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि वह अब मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, अपनी आँखें नहीं उठाएंगे। हल्दार साहब ने कुछ ऐसा देखा कि चीख का जीव लोगों ने कहा आज्ञा दिया। वह हल्दार साहब रुके तो उन्हें सोचा कि हम फोटो की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि फोटो पर चश्मा नहीं है, देश में जो देश की सिपाहियों की इज्जत मान सम्मान करने वाले लोग उनकी उनको सम्मान ही देते हैं, तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तो जब वो वहाँ से गुजरने लगे तो उन्होंने चिल्ला करके कहा, क्या कहा, जीप ड्राइवर से कहा जीप रोको। जीप लोगों ने क्या आज्ञा दी, वे मूर्ति के सामने सीधे खड़ी हो गई और मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे से बना छोटा चश्मा है वो लगा रखा। तब सरकंडा मतलब फरड़े होते हैं झुंडों का जो फरड़ा होता है उस फरड़े से चश्मा बना करके किसी बच्चे ने उस पर लगा रखा था। ये सब देखकर हल्दार साहब की आंखों में आंसू आ गए और भाव को गए और सब चीज़ देख करके हल्दार साहब है वो भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आज भी हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके अंदर देश प्रेम की भावना है वो बची हुई है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका मान सम्मान है वो बचा हुआ है। तो ये था हमारा आज पाठ, नेताजी का चश्मा। तो अपनी किताब से भी इस पाठ को जरूर पढ़ लेना और पाठ को पढ़ करके अच्छी प्रकार से समझ लेना पाठ को, फिर कल हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे ताकि अभ्यास के प्रश्न इसको आपको आसानी से समझ आ जाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार।